और विराट जहां एक तरफ सई से दूर जाना चाहता है, उसने ट्रांसफर लेने का मन बना लिया है। वहीं अब दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, विराट की जिंदगी को खतरा है। विराट एक ऐसे मिशन पर निकला है जहां पर जा सकती है उसकी जान भी। आखिरकार क्यों अपनी जान दांव पर लगाकर निकल चुका है विराट इस मिशन पर, और क्या इस मिशन से वो कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएगा? क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं किस तरीके से अब विराट को लगता है कि सत्या और सई में नज़दीकियां आ चुकी हैं। वो इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, उसने दूर जाने का मन बना लिया है। लेकिन यहाँ पर जब वो अपने ट्रांसफ़र के बारे में सोच ही रहा होता है, उसे एक फ़ोन आता है कि डाकू जो है, जिसकी इनको काफ़ी समय से तलाश थी, वो मिल चुका है। वो एक बैंक के अंदर रॉबरी के लिए आया है। विराट कहता है कि मैं वहाँ पर आता हूँ। हालांकि उसका साथी पुलिस वाला उसे इस बात को लेकर आगाह भी करता है कि बैक फोर्स आने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन विराट कहता है कि मैं आकर सिचुएशन को संभाल लूँगा। लेकिन यहाँ पर बुरी खबर ये है कि विराट जैसे ही पहुँचता है, उसको गोली मार दी जाएगी। जी हाँ, विराट का अंत होने वाला है। वैसे भी इस शो में लीप आने वाला है, लेकिन लीप से पहले अब देखने को मिलेगा कि किस तरीके से विराट को गोली लग जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विराट ही नहीं, हम आपको बता दें कि जब विराट की ऐसी हालत सई देखती है, वो उसकी तरफ दौड़ी दौड़ी जाती है, तो सई को भी गोली लग जाएगी। और इन दोनों को बचाने के चक्कर में सत्या भी अपनी जान गंवाने वाला है। तो इस तरीके से शो में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। आप लोगों को कितना इंतज़ार है इस ट्विस्ट का, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी तमाशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।